क्या आपके फ़ोन से जियो कॉल्स नहीं हो पा रही है? आप इंटरनेट तो यूज कर पा रहे हैं बट आपके फ़ोन से जियो कॉल्स नहीं हो पा रही है। जब भी आप कोई कॉल करते हो तो कॉल एंडेड आ जाता है, बट आपका इंटरनेट तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। यदि आपका इंटरनेट भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी सॉल्यूशन क्या है। चलिए ट्राई करते हैं। मैंने इंटरनेट क्लोज कर दिया और फिर से ऑन कर दिया। अब मैं कुछ नंबर डायल करके उसको कॉल करके देखूँगा। देखिए यहाँ पे कॉल एंडेड आ रहा है। आप किसी भी नंबर पे अगर कॉल करेंगे तो वहाँ पे कॉल एंडेड आएगा। यदि आपके फ़ोन में भी ऐसा कुछ आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन की सेटिंग में है। देखिए फिर से कॉल एंडेड आ रहा है, फिर से भी कॉल एंडेड ही आ रहा है। मैं कुछ नंबर डायल करके देखता हूँ तो तब भी ये कॉल एंडेड ही आ रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क में जाना पड़ेगा। सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये टर्न ऑन है कि नहीं है। इसको टर्न ऑन ही रहने देना है। यहाँ पे जियो 4G आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल डाटा यहाँ से क्लोज कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। ऑन रखना है अपना मोबाइल डाटा, आपको ऑन रखना है। यहाँ पे जियो 4G आप ऐसे ही सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको वॉल्ट इनेबल्ड करना है, वॉल्ट इनेबल्ड जिसको आप देख सकते हैं, वॉल्ट इनेबल्ड। चलिए मैं वॉल्ट इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। वॉल्ट इनेबल करते ही आप ऊपर देखोगे वॉल्ट LTE आ गया है, जहाँ पे मेरा 4G साइन है वहाँ पे वॉल्ट इनेबल करते ही LTE लिखा आ जाता है। इसका मतलब कि आप कॉल भी कर सकते हैं। अब आप कॉल ट्राई कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर कॉल हो रही है। ठीक है, ओके, मैं कॉल कट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने वॉल्ट इनेबल कर को डिसेबल कर दिया है। उसके बाद फिर से मैं कॉल को ट्राई करता हूँ तो देखिए फिर से कॉल एंडेड। तो ये प्रॉब्लम आपका इनेबल और डिसेबल्ड का है। वॉल्ट ही आपको इनेबल करके रखना है तभी आपकी कॉल हो सकती है। कॉल एंडेड, इनेबल, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं इनेबल करके तो आपकी कॉल। देखिए फिर से ट्राई करते हैं कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, कॉल हो रही है प्रॉपर। आपका कोई भी मोबाइल हो, इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं या देख सकते हैं, या आपने क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि मेरा इस मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं तो आपका उसको आंसर जल्द से जल्दी मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को या आंसर को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, ईमेल आईडी, लोकेशन, आप कहाँ से हो, और अपने बारे में भी लिख सकते हो।
एंड प्रोफेशन आप क्या करते हो। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन करने ना, लॉगिन करने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर।